हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब। और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, मोस्टली हम लोग इंटरनेट यूज़ करने के लिए जिस ब्राउज़र का यूज़ करते हैं वो है क्रोम ब्राउज़र। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होंगे। सबसे पहले जो टिप्स हैं, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हैं क्रोम ब्राउज़र, तो हम लोग काफ़ी सारे टैब के साथ क्रोम ब्राउज़र में काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपका क्रोम ब्राउज़र हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे आप सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, शिफ्ट और जो स्किप बटन होता है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रोम ब्राउज़र का एक टास्क मैनेजर खुल के आ जाएगा, जिससे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिन टैब को, उनको आप इजीली यहाँ से किल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फोटोपिया अभी ओपन कर रखा और एंड प्रोसेस करूँगा, तो जो भी यूटिलाइजेशन थी यहाँ पे मेमोरी का, सीपीयू का, वो हट जाएगा और मेरा क्रोम ब्राउज़र स्मूथ हो जाएगा, हैंग नहीं करेगा। तो और एक चीज़ इसकी अच्छी ये चीज़ है कि जब आप क्लिक करते हैं तो वो ब्राउज़र जो वेब पेज है वो क्लोज़ नहीं होता है, बट जो यूटिलाइजेशन है वो बंद हो जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। आप जब फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड टिप्स की बात करें तो अगर काम करने के टाइम में गलती से आपसे कोई भी टैब क्लोज़ हो जाता है तो इसे आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको कंट्रोल शिफ्ट और टी की को जब आप प्रेस करेंगे तो जो लास्ट क्लोज टैब है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें क्रोम में अब एक और भी ऑप्शन है, जब ये आप यहाँ पे देखेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो लास्ट टैब की लिस्ट है वो बन के आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आप जो क्लोज टैब है उसको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रोम का जो थर्ड टिप्स है, मान लीजिए कि मुझे ये दो टैब मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनको मुझे एक अलग से विंडो में ओपन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है और उन टैब को सेलेक्ट कर लेना है जिनको आप अलग विंडो में ओपन करना चाहते हैं, और बस सेलेक्ट करके आपको ड्रैग कर लेना है, तो ये सारे के सारे एक सेपरेट विंडो में ओपन हो जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र के फोर टिप्स की बात करें तो अगर आप क्रोम ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, आपको किसी भी टैब को क्लोज़ करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इस क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको, आपको सिंपल क्लोज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, बस आपको इस टैब पे जाना है और जो माउस का जो मिडिल बटन होता है, स्क्रॉल करने वाला जो बटन होता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, वो टैब क्लोज़ हो जाएगा। क्रोम ब्राउज़र में अगर आप एड्रेस बार को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। F6 को जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एड्रेस बार पे चले जाएंगे और यहाँ पे किसी भी URL को आप इजीली टाइप कर सकते हैं। सेकंड जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और L, जब आप टाइप करेंगे एक साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्ट एड्रेस बार को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र के 6 टिप्स की बात करें तो काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। कभी कभी काम करने के टाइम में क्या होता है कि जो ये टैब का साइज़ है, विंडो साइज़ है, वो इस तरीके का हो जाता है, छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको बस क्या करना है, कंट्रोल और 0 को एक साथ यहाँ पे टाइप करना है, क्लिक करना है, और आपका जो भी विंडो साइज़ है वो रीसेट हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैनुअली जाके सेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रोम ब्राउज़र में हम लोग नॉर्मली बुकमार्क्स बना के अपने फेवरेट वेब पेज के लिए रखते हैं, तो उनको एक साथ ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, बुकमार्क्स पे जाना है, और जो फोल्डर है उन पे जाके जो स्क्रॉल बटन है माउस का उसको आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी बुकमार्क्स आपने उस फोल्डर में बना रखे हैं वो सारे के सारे एक साथ यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। सिंगल क्लिक के साथ आप उन सारे वेब पेज को एक साथ ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुकमार्क को एक साथ ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में अगर हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि उस टेक्स्ट पे जाते हैं और ड्रैग करते हैं जिस पोर्शन को हमें सेलेक्ट करके कॉपी करना है, तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप को जो कॉपी करना है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए शिफ्ट बटन, और जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ तक के लिए आपको करना है, जो भी पोर्शन, वहाँ पे जाके आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। आपको ड्रैग ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ तक कॉपी करना है, मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, यहाँ तक ही करना था मुझे,
तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से आप इजली सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर में आप नोटपैड पे भी, अदर ब्राउज़र पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हर जगह ये काम करेगा जो शिफ्ट का ऑप्शन है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स ट्रिक्स थे क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई और भी टिप्स ट्रिक्स पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।